जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूँ। सो देखो तुम्हारे ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बार मैंने कट ऑफ के ऊपर बात कर दी है, फिर भी कंटिन्यूअस मैसेज देख के ना मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसको ओपनली यूट्यूब पे बताना पड़ेगा। पहली चीज, वीडियो में दो बात बताने वाला हूँ। पहला ये कि ये कट ऑफ का जो अभी चल रहा है ना इंटरनेट पे, उसका क्या सीन है, क्या रियलिटी और कैसे कैसे क्या होने वाला है तुम्हारा कट ऑफ, क्यों परेशान नहीं होना है। सेकेंड ये इनरोलमेंट के बारे में, तो दोनों पार्ट सुन लेना, तुम भाग जाते हो ठीक है, तो तुम सुन के जाना। पहले पहली चीज ये कि देखो तुम्हारी जो OTA की कट ऑफ ना, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी 120 120 एक लड़का अभी बोल रहा था कि सर 120 चली जाएगी कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। 126 पे ना OTA टॉप कर जाते हैं, रैंक वन के आते हैं 126, तो कट ऑफ तो 120 कभी नहीं जाएगी। और सिंपल सी चीज़ है कि एक बात ध्यान रखना, OTA तुम्हारा अगर तुम 95 के अराउंड में हो तो सेफ हो, IMA के लिए 130 प्लस में हो तो सेफ हो, मतलब अराउंड में हो सेफ हो। और सेम तुम्हारा AFA का है कि अगर तुम 140 के आसपास हो, 140 प्लस में हो तो तुम उधर भी सेफ हो। तो ध्यान रखना यही तुम्हारी कट ऑफ रहेगी, कहीं 120 नहीं जा रहा। UPSC है, SSC नहीं है, ना ही रेलवे है कि भैया एक झटके में मारा और 120 पहुंचा दिया सीधे 100 से 95 से, ठीक है। तो पिछली बार भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे 120 जाएगी 130 जाएगी OTA की, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कहीं नहीं जा रही OTA कट ऑफ, अपना वहीं पर रहेगी। ये सब बस ऐसे ही परेशान करना और ये कह लो कि डराने वाली टेक्निक होती है, तो तुम इन सब में मत पड़ो, समझदार बनो यार, तुम समझदार हो ठीक है। अब बात ये, अभी जो CDS का और FCAT का जो नया बैच है वो 20 नवंबर से आ रहा है, उसके उसके लिए इनरोल करने वाले हो तो फर्स्ट 100 FIRST 100 यूज़ कर लेना, 500 का ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू, कमेंट सेक्शन में बोल देना। थैंक यू सो मच एंड जय।